मोटोरोला एज 14 5G फोन 23 मई को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इस हिसाब से कौन कौन से फीचर क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने इंडिया मार्केट में दोस्तों, आपको किस प्राइस पर लॉन्च मिलेगा, इस सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें दोस्तों आपको नहीं है मीडियाटेक का डेंसिटी 8020 चिपसेट आपको देखता है, वो भी 5G प्रोसेसर है, 8GB रैम और 256GB UFS 3.1 का स्टोरेज आपको देखने मिलेगा दोस्तों। 2 ईयर्स तक आपको एंड्रॉइड के अपडेट मिल जाएंगे, 3 ईयर्स तक आपको नहीं है सिक्योरिटी पैच के अपडेट आपको देखने मिल जाएंगे दोस्तों। एंड्रॉइड 13 आपको देखने मिल जाएगा, 6.5 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व डिस्प्ले आपको देखने मिलता है, 144 रिफ्रेश रेट के साथ पी ओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है दोस्तों, 1200 निट्स ब्राइटनेस आपको देखने मिलती है, HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट आपको देखने मिलता है डिस्प्ले में। कैमरे में आपको नहीं है 50 MP वाइस कैमरा आपको देखने मिलता है, 30 MP नहीं है अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको देखने मिलता है, फ्रंट में आपको 32 MP सेल्फी कैमरा आपको देखने मिलता है, कनेक्टिविटी आपको नहीं ऑल 5G वाइड आपको देखने मिलते हैं, वाईफाई 6 का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा दोस्तों, ब्लूटूथ नहीं है 5.2% आपको देखने 4400 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, 68 वाट का नहीं है टर्बो चार्जर आपको मिलेगा और 15 वाट का नहीं है वायरलेस चार्जर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा दोस्तों। डिजाइन की बात कर दोस्तों, बैक में आपको नहीं है प्रीमियम नहीं है लेदर का डिजाइन दिखता है, बड़ी आपको उसकी फिनिशिंग मिल जाती है। प्राइस की बात कर दोस्तों, इंडिया दोस्तों आपको नहीं है 30,000 to 40,000 के मिड में आपको देखने मिलेगा ये फोन, और कोई भी इशू दोस्तों आप मुझसे नहीं है इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय।